राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल गाबर बोल। नाम देसे भाई काम देसे अपनी बोली देसी। इस टाइम भाई पंचकूला सेक्टर 5 बिजली दफ्तर का घेराव करना रहे हैं और विधायक जो आए थे सपोर्ट में, अलग अलग नाम आए थे भाई और वे ग्राउंड पर दिखे नहीं भाई। और इस टाइम जो ग्राउंड पर है सोमवीर सांगवान MLA चरखी दादरी निर्दलीय विधायक है और उन तक बात करा के कुकर के बात है। सपोर्ट सबसे पहले सरकार में देनी है और सपोर्ट सबसे पहले खींचनी है सरकार में, तो भाई ये वह विधायक है। तो ये आड़े आ रहे और भी विधायक आने चाहिए थे, यही विधायक क्यों आई जो इब करंट में MLA है, तो जो सपोर्ट कर रहे थे अपने चैनल पर इनका स्वागत करा, कुकर के बात आगे की बात भी करा गए। राम राम जी। राम राम। और ठीक हो? बढ़िया। तो एक बात है जी, आप याद आए हो और MLA भी तो थे, नुकया करते हम किसान के बेटे हैं, किसान किसानी मारा खून में, क्या लागे बात आपने? ऐसा हर एक आदमी का आप अपने विवेक और बुद्धि से काम लेता है। हमने तो ये माना कि जो सरकार के अंदर समर्थन कराया था, सरकार ने चेयरमैन भी बनाया था, लेकिन जिस सरकार के अंदर भाइयों के ऊपर जुल्म होते हो, जहाँ किसान के नाड़ कटती हो, तो सरकार के अंदर भागीदारी में अपना पाप समझता हूँ। इसलिए सरकार से समर्थन ही वापस और चेयरमैन ने भी छोड़ के भाइयों के बीच में पिछले 7 महीने से लगातार खड़ा हूँ, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ हूँ और सांगवान खापका मैं प्रधान हूँ। MLA और प्रधान हिंदुस्तान में पहला आदमी हूँ जो मुझे सौभाग्य प्राप्त है। तमाम पार्टियों हरा के लोगों ने मेरे को निर्दलीय बनाया, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भाइयों के साथ पिछले 7 महीने से लगातार लगा हुआ हूँ। मैं तो सुबह से 7-10 बजे यहाँ पे हूँ, तो पैदल मार्च करके गवर्नर हाउस तक के लिए जाऊँ, उसमें भी थार मैं यहाँ भी खड़ा हूँ। तो एक बात है जी, इतना ताम जान जो जोड़ने की क्या जरूरत थी, इतनी दूर दूर तक लोग बुलाए हैं, सिर्फ ज्ञापन देना था राष्ट्रपति का नाम राज्यपाल थे, अरे यू के इतनी पब्लिक बुलानी तंग होनी, के अच्छी बात है? लोकतंत्र में शेर गणे जाते हैं, जितने ज़्यादा विरोध प्रकट होगा उतनी ताकत बढ़ते हैं। ये तो ऑनलाइन भी भेज सकते थे, सारा काम जो सरकार ने ऑनलाइन करे रखे, रिजल्ट आ रहा है, ये सारा होता है। लोकतंत्र के अंदर तो आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है, अपनी बात उठानी पड़ती है, इसलिए सरकार के ऊपर दबाव बनाने का तरीका होता है, जिसका नतीजे जाए कितने भाई यहाँ इकट्ठे हुए। तो एक और बात है जी, खट्टर सरकार है जो ओ गुणी प्रकाश किसान यूनियन संगठन है उसका भी, वो जावे है खट्टर सरकार खट्टर मुख्यमंत्री खट्टर तो पगड़ी पहनावे और फिर कहे भाई 15 दिन बाद मैं रैली करूँगा भाई और खट्टर ने बुलाऊंगा, क्या बात लागा अपना खट्टर आओगा कि नहीं, रैली होगी कि नहीं? कौन रोक रहा है, पहले बुला लेता, कौन मना कर रहा है? लेकिन जो गुणी प्रकाश जो भाई साहब से खड़ा करते हैं, वो किसान का ड्रामा जो कर रहा है, वो किसान नहीं है, वो तो पेड वर्कर की तरह काम करता है। किसान का खून ये रोड के ऊपर बैठा है, 47 डिग्री टेम्परेचर के अंदर अपने आप को तपा रहे, ये जो भक्ति कर रही है किसान, वो हवाबाजी करने वाले ओवर एक्टिंग करने वाले किसान नहीं है, और किसान के खिलाफ किसी प्रोग्राम में शामिल होता है वो किसान का खून भी नहीं हो सकता। जी जी। तो एक और बात है, साध्वी देवा ठाकुर आरोप लावे है जो राम सिंह राणा है, वो उसने राकेश टिके वो यशपाल मलिक की तुलना करा उसके गिल है, उनको है भाई यूपी से बटले करने लाग रहा है और यू फिर थर पर ले उड़ागा सारा सौदा। वह 5-7 बाज गया, कई कई हजार करोड़ लेके, उनकी कोई चर्चा नहीं है, या कौन पैसे लेगा कि नहीं लेगा, देंगे कि नहीं देंगे, किसी भाई के ऊपर खाम का शक पैदा करना। जो संयुक्त मोर्चा 41 भाई जो आंदोलन चला रहे हैं, इससे बेहतरीन नेतृत्व हो ही नहीं सकता, इसमें किसी व्यक्ति विशेष की कोई वैल्यू नहीं है, ये संयुक्त मोर्चा है, ताकत है, जो संयुक्त मोर्चा करता है उसके ऊपर हम तमाम खापे समर्थन कर रहे हैं। इस आंदोलन को बेहतरीन ढंग से चलाना, इससे बढ़िया और नेतृत्व हो ही नहीं सकता। आंदोलन कितना लंबा चलाने की सोच? लंबा चाहे कितना चलो मुना भाई, लगे रहो जब तक विजय श्री हासिल हो, जब तक चलता रहेगा। एक ही रास्ता है इसका, एक ही समाधान इस आंदोलन का, चरका तीनों कानों वापस ले, इज्जत के साथ किसान भाइयों को घर पर भेज दें। जी जी। जो आपको दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? मैंने कहा भाई लगे रहो मुना भाई, लगे रहो। मुना भाई 2 भी आई थी, तो चाहे या 3 भी आ जाएगी, चिंता मत। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो भाई देखते रहो, आगे तक आगे पहुँचाते रहो, शेयर करो वीडियो। धन्यवाद भाई।